दोस्तों, आज हम आपको एक पाकिस्तानी मशहूर व मारूफ खूबसूरत सेहतमंद नौजवान रजब अली के बारे में बताएंगे, जिन्होंने सिर्फ 1.5 साल के अरसे में अपनी मेहनत और जद्दोजहद से पूरे पाकिस्तान में अपनी पहचान बनाई और बेपनाह शोहरत हासिल की। ये सब कैसे हुआ, तो चलिए आपको बताते हैं। रजब अली एक मशहूर पाकिस्तानी मॉडल, यूट्यूबर, टिकटॉकर और इंस्टाग्रामर हैं और इन तीनों प्लेटफार्म के एक मशहूर व मारूफ स्टार और सोशल मीडिया की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, जो उर्दू जुबान में कंटेंट बनाते हैं जिनमें प्रैंक वीडियो और व्लॉग भी शामिल हैं। इनका यूट्यूब चैनल हाई रैंकिंग में आता है और इसी चैनल ने इनको एक पहचान दिलाई और इसी यूट्यूब चैनल से वो मशहूर हुए। YouTube पर इस वक्त रजब अली और डकी भाई ही टॉप मोस्ट नज़र आते हैं और तो कोई नज़र नहीं आता। रजब अली इससे पहले TikTok चलाते थे, Instagram चलाते थे, लेकिन उन्हें उस वक्त इतनी कामयाबी नहीं मिली थी। रजब अली 28 दिसंबर सन 1994 में पंजाब के शहर लाहौर में कश्मीरी खानदान में पैदा हुए और रजब भट्ट के नाम से ज़्यादा याद किए जाते हैं। इनकी उम्र इस वक्त सन 2024 में 30 साल है। रजब अली शिया मुस्लिम हैं। इनकी फैमिली में इनकी बहन, माँ और वालिद शामिल हैं। इनकी फैमिली कुवैत में अपने वालिद साहब के साथ रहते थे। रजब अली की अभी शादी नहीं हुई, लेकिन सन 2023 में इनका निकाह अमान फातिमा से हो चुका है। पढ़ाई के मामले में वो कुछ अच्छे न थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने आई काम किया है, पढ़ाई से वो बहुत दूर रहते थे। इनकी बहन गजल भी एक यूट्यूबर है और व्लॉग चला रही हैं। रजब अली यूट्यूब और टिकटॉक में आने से पहले एक जिम चलाते थे और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इनके नसीब में शायद कुदरत ने कुछ और ही सोच रखा था। फिर रजब अली ने 11 जून सन 2023 में अपना एक YouTube चैनल बनाया, जिसका नाम रजब फैमिली रखा। इनकी पहली वीडियो 16 मार्च सन 2023 में रिलीज हुई थी, जिसका टाइटल उन्होंने हमारा पहला व्लॉग रखा था, लेकिन इनकी पहली हिट होने वाली वीडियो 9 मुहर्रम की रात अपलोड हुई थी, जो मुहर्रम के बारे में थी, जो बहुत वायरल हुई थी। इनके इस चैनल में इनके ख़ानदान के लोग भी शामिल हैं, जो आवाम को तफरी के मौके फराम करते हैं और लोग इनके इस चैनल से खूब इंजॉय करते हैं और इस अफरा तफरी के आलम में आवाम को खुश करने की कोशिश करते हैं। रजब अली का यूट्यूब का फैमिली चैनल नाजरीन के लिए तफरी का मकबूल तरीन जरिया बन गया है और ये सब मिलकर लोगों को खुश करते हैं। रजब अली रोज़ाना 35 से 36 मिनट का एक व्लॉग बनाते हैं और रोज़ाना अपलोड करते हैं, ये इनका रोज़ का मामूल है। रजब अली सुबह 12 बजे तैयार होते हैं और व्लॉग की तैयारी करते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हुए तकरीबन इनका सारा दिन इसी चक्कर में गुजर जाता है। फिर रात 10-11 बजे वो टिकटॉक पर लाइव बैठते हैं और तकरीबन 3 बजे तक वो इसमें मसरूफ रहते हैं। अपनी मेहनत और कोशिशों से रजब अली इस चैनल के ज़रिए एक आम आदमी से एक ख़ास आदमी बन गए हैं। अल्लाह की इन पर बड़ी रहमत है। इसकी वजह इनकी अपनी फैमिली से मोहब्बत है और अल्लाह से कनेक्शन है, यानी वो अल्लाह की राह में बेतहाशा खर्च करते हैं और जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो फिर अल्लाह उनको बहुत नवाजता है। आज बच्चे, बूढ़े, जवान सब उनको जानते हैं। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, करम नवाजी है। 1.5 साल के अंदर अंदर इस बंदे ने यूट्यूब को हिला कर रख दिया है। ये अल्लाह की इस बंदे पर ख़ास मेहरबानी है। पता नहीं अल्लाह को इस बंदे की कौन सी चीज़ पसंद आ गई है, वरना हर एक के साथ तो ऐसा नहीं होता कि इतने थोड़े से अरसे में इतनी कामयाबी मिल जाए। YouTube पर इनके सब्सक्राइबर्स में 75% नौजवान शामिल हैं और रजब अली की तकरीबन हर वीडियो मिलियन में होती है। रजब अली के इस चैनल ने 4 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हासिल किए हैं YouTube पर और इनकी कमाई करोड़ों में बताई जाती है। और अभी सिर्फ 645 वीडियोस अपलोड की गई हैं सन 2024 में।
रजब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने पेट की आग को बुझाने के लिए कार्टन उठाए, मजदूरी की, बतौर ऑफिस बॉय काम किया। रजब अली जब छोटे थे तो एक किराए के घर में भी रहते थे, जबकि इनका अपना जाती घर भी था। वजह इनकी गर्म मिजाजी थी, जिसकी वजह से इनको घर छोड़ना पड़ा। रजब अली YouTube के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। YouTube पर चैनल बनाने का मशवरा फिल्म और टीवी डायरेक्टर फैसल बुखारी के बेटे शहबाज बुखारी ने इनको दिया था, जो इनके गहरे दोस्त हैं। क्योंकि रजब अली ने एक टीवी ड्रामा रानी में अदाकारा किंजा के साथ अदाकारी भी की है। ये ड्रामा 50 किस्तों पर मुश्तमिल था, इसी वजह से शहबाज के साथ इनकी दोस्ती बनी। बाज मजबूरियों की वजह से वो अदाकारी को जारी ना रख सके। रजब अली ने YouTube चैनल भी किसी से बनवाया था। रजब अली को इतनी जल्दी तरक्की करते हुए देखकर बाज़ लोग इनको और इनकी फैमिली को तनकीद का निशाना भी बनाते हैं और बुरा भला भी कहते हैं और गलत किस्म के जुमले भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ रजब अली एक खुदा तर्स इंसान भी हैं, अपनी माँ और अपनी फैमिली से बेहद प्यार करते हैं, गरीब और नादार लोगों की बेहद मदद भी करते हैं और अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो लोगों पर भी खर्च करते हैं। गरीब बच्चियों की शादी में इनकी मदद करते हैं, यानी खाने वगैरह का इंतज़ाम भी करते हैं। ऐसी दर्जनों शादियां हैं जो उन्होंने करवाई हैं और साथ साथ माली इमदाद भी करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। अल्लाह इन्हें और तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, ये थी रजब अली की एक छोटी सी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।